हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आप लोग को लेकर आए प्रोनाउन। फ्रेंड्स देखिए, प्रोनाउन का टाइप है वो है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन का हिंदी होता है अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, निश्चित का मतलब क्या होता है? जिसका पूरा पूरा बोध हो जाता हो, मतलब जिसके बारे में बात कर रहा हो उसके बारे में पूरा पूरा का पूरा अच्छे तरीके से बतला देता हो। और निश्चित निश्चित और अनिश्चित का मतलब क्या होता है कि फ्रेंड जिसके बारे में बात कर रहा हो लेकिन कोई आता पता नहीं है कि वो कहाँ से है, तो वो कौन है, तो उसका नाम क्या है, ये सब नहीं पता होता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में वही प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। देखिए, इसका ये डिफिनेशन होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन का कि जिस सर्वनाम से सॉरी फ्रेंड्स, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु या फिर किसी जगह या फिर किसी जानवर का क्या उसके पूरा ये नहीं पता चलता। अगर फ्रेंड्स हम इजी तरीके से समझें, तो अगर कोई भी आदमी काम किया है तो ये नहीं पता चलता है कि यह आदमी कौन काम किया है, तो ये आदमी कौन है जो काम किया है, तो इसका घर कहाँ है, इससे ये पता नहीं चलता। मतलब कि ये आधा अधूरा ही सेंटेंस रहता है, इसका नाम ही से पता नहीं चल रहा। फ्रेंड्स डिफिनिट का मतलब क्या होता है? आप लोग इनको हटाइए पहले। डिफिनिट का मतलब देख लीजिए, निश्चित, जो क्या करता हो, जिसके बारे में पूरा सब डिटेल में बताता हो, और उसमें इन लगा दिया मतलब इनडेफिनिट। मतलब उसमें क्या कि आपका इसमें पता नहीं चलता हो कि ये कौन है, तो कहाँ से आया है, इसका घर कहाँ है, किस कारण से आया है, या इस सारे का मकसद क्या है, ये सब नहीं इसमें पता चलता है। तो फ्रेंड जैसे में हम बोले कि यह तुम्हारा है, तो ये हम यह तो बोले कि यह तुम्हारा है, लेकिन यह पता चला कि किसको बोले हम कि यह तुम्हारा है। इसमें आप लोग 5 भाई है, ठीक है, आप लोग एक जगह बैठे हुए, उधर से आपके फादर है, पिता है आपको उधर से, और बोले कि यह किताब तुम्हारा है, और सिर्फ बोल देंगे तो क्या आप लोग समझ जाएंगे कि किनको बोल किसको बोल रहे हैं, किसको नहीं बोल रहे हैं? समझ जाएंगे आप लोग? फ्रेंड्स नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो पता चला कि किसको बोल रहे हैं, किसके कारण बोल रहे हैं, कुछ नहीं है पता चल रहा है, सिर्फ बस पता चल रहा है कि बोल रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं पता चला कि किसको बोल रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाती है। फ्रेंड्स देखिए, इसका आपका फोर्स एग्जांपल से जो आपका इसके एग्जांपल तो बहुत सारा होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसमें से जो आपका इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका पहला इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो है आपका साम। इसी से फ्रेंड्स हम बहुत सारे एग्जांपल बनाएंगे, एवरी सम एवरी नो सम हो गया फ्रेंड्स आपका, एवरी हो गया, फिर आपका नो हो गया, फिर आपका हो जाएगा एक ठो एनी। फ्रेंड्स क्या हुआ? सम एवरी नो एंड आपका एनी। फ्रेंड्स ये आपका हो गया एग्जांपल, और आपका अगला एग्जांपल है फ्रेंड्स बॉडी बॉडी, फिर आपका फ्रेंड्स वन हो जाएगा, बॉडी वन थिंग थिंग, एंड फ्रेंड्स आपका वेयर भी हो सकता है। अब देखिए किससे आपका कितना सारा एग्जांपल बनता है, जैसे मैं देख लीजिए कि सम बॉडी एवरी बॉडी नो बॉडी एनी बॉडी, सारी 4 एग्जांपल तो आपका ऐसा ही बन गया। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए सम बॉडी एवरी बॉडी एवरी बॉडी, फिर आप लिखिए आप लोग नो बॉडी
फिर लिखिए आप लोग एनीबॉडी। ये तो आप लोग लिख लिए, देखिए यानी इन लोग चारों से आपका ये बना। तो क्या बना, सम से में बड़ी मिला तो सम बड़ी, इवरी में बड़ी मिला तो इवरी बड़ी, नो में बड़ी मिला तो नो बड़ी, फिर एनी में बड़ी मिला तो एनी बड़ी। अब आप क्या कीजिए फ्रेंड्स की इन लोग सबसे अब इसमें देखिए, तो सम से वन में जब मिलाइएगा तो क्या होगा सम वन, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए सम वन, इवरी से वन में तो इवरी वन, इवरी वन, फिर आप लोग नो से वन में तो नो वन, फिर आप लोग एनी से वन में तो एनी वन। ये इससे भी आपका फ्रेंड से मिल गया, इससे भी ये भी मिल जाएगा और इससे आपका ये भी मिल जाएगा, तो इससे ये मिला ये सम से थिंग में तो समथिंग, समथिंग, इवरी से थिंग में तो एवरीथिंग, फिर नो से थिंग में तो नथिंग, फिर आप एनी से थिंग में कीजिएगा तो एनीथिंग। अब फ्रेंड्स आप उसी तरह से सम से अगर वेयर में कीजिएगा तो सम वेयर हो जाएगा, इवरी से वेयर में कीजिएगा तो इवरी वेयर हो जाएगा, नो से वेयर में कीजिएगा तो नो वेयर हो जाएगा, एंड अगर आप एनी से वेयर में कीजिएगा तो आपका एनी वेयर हो जाएगा। इसी कारण क्या हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब आप लोग को ये देखना है कि देखिए कि कहाँ पे कौन कौन सी यूज होता है। अगर ये सब दे दिया सम बड़ी, इवरी बड़ी, नो बड़ी, एनी बड़ी, इसका हिंदी बताते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर ये सब दे दिया, ये वाला पूरा चारों और ये वाला चारों दे दिया, तो इन लोग दोनों का यूज किसके साथ करते हैं, किसी पर्सन के साथ, किसी अननोन पर्सन के साथ, यानी अनजान व्यक्ति के साथ। और इनडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, जो किसी अनजान व्यक्ति को बताता हो, ठीक है। तो इन लोग दोनों का हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, पर्सन के साथ। अगर हम वही बात करें फ्रेंड्स ये सब का, ठीक है, तो ये सब का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, तो इन लोग का यूज हम लोग थिंग के साथ करते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रेंड्स सम वेयर वाला, ये वाला लिखते हैं सम वेयर, फिर एवरी वेयर, फिर नो वेयर, फिर फ्रेंड्स एनी वेयर। आप लोग ऐसे याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स कि सम वेयर, एवरी वेयर, नो वेयर, एनी वेयर, इन लोग सबके साथ अगर प्लेस, इन लोग का यूज प्लेस के साथ करते हैं। बॉडी और वन, इन लोग दोनों का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग दोनों पर्सन के साथ करते हैं। इसका तो थिंगी के साथ करते हैं, तो थिंग ठीक दिया हुआ है, थिंग यानी वस्तु के साथ, इसका प्लेस के साथ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका कि हिंदी क्या होता है, मतलब सम बड़ी का मतलब क्या होता है, इवरी बड़ी का मतलब क्या होता है, नो बड़ी का मतलब क्या होता है, एनी बड़ी का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपका सम बड़ी का मतलब होगा आपका कोई, ठीक है फ्रेंड्स, सम बड़ी का मतलब हो जाएगा आपका कोई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई लिखते हैं, लोग लिखते हैं हम यहाँ पे कोई, यहाँ पे आप लिखिए सम बड़ी का मतलब कोई,
Somebody का हिंदी तो आप कोई लिख दिए, लेकिन अब आपका everybody का मतलब क्या होगा? तो कोई भी। ठीक है, कोई भी। अब देखिए फ्रेंड्स कि nobody का मतलब क्या होगा, तो आपका nobody का मतलब होगा आपका फ्रेंड्स सभी। और एनीबॉडी का मतलब क्या होगा, तो एनीबॉडी का मतलब होगा कोई भी नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हल्की सी मिस्टेक हुई है, आप लोग नोबॉडी का नोबॉडी का मतलब होगा कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं। और आपका एनीबॉडी का मतलब होगा फ्रेंड्स आपका सभी। सेम कंडीशन इसमें भी होगा, समवन का मतलब इसमें भी होगा कोई, इसका मतलब भी होगा कोई भी, फिर नो वन का मतलब भी कोई होगा कोई भी नहीं, फिर एनी वन का मतलब भी होगा सभी। और इसमें बात रहा कि समथिंग का मतलब क्या होगा, तो समथिंग का मतलब होगा कुछ। अब एवरीथिंग की उसके साथ क्या यूज होगा, तो कुछ भी। अब एवरीथिंग के साथ तो कुछ भी हो गया इसका हिंदी। अब नोथिंग का मतलब क्या होगा, तो कुछ भी नहीं। अब रहा एनीथिंग के साथ, तो एनीथिंग के साथ होगा आपका सब कुछ। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स आपका इसका भी होगा जो आप प्लेस के साथ यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब देखते हैं एग्जांपल कुछ। फ्रेंड्स तो एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका कि सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है, तो सब कुछ तुम्हारा है, हम क्या ले लिए कि सब कुछ तुम्हारा है। तो यहाँ पे देखिए कि सब कुछ यानी इसका एनीथिंग का हिंदी क्या होता है, सब कुछ। ये किसके साथ होता है, यूज थिंग के साथ। तो क्या सिटी के साथ, ये मतलब कोई जगह के वाला बोल रहा है कि सब कुछ तुम्हारा है, जगह बोल देगा ऐसे कि सब कुछ तुम्हारा, नहीं कोई व्यक्ति के साथ बोल देगा कि सब कुछ तुम्हारा है। ये किस पे सूट कर रहा है, तो थिंग पे सूट कर रहा है यानी आपका वस्तु पे सूट कर रहा है कि सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है, तो सब कुछ तुम्हारा है यानी सब कुछ, तो क्या होगा एनीथिंग, एनीथिंग इज आवर, योर्स तुम्हारा मतलब योर होता है फ्रेंड्स। उसी तरह से यह कि सभी सभी से भी कुछ हो सकता है, कोई यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है, ये भी हो सकता है यहाँ कोई भी नहीं है। वस्तु को बोलेगा कि यहाँ कोई भी नहीं है, जगह को बोलेगा कि यहाँ कोई भी नहीं है, ये तो पर्सन को बोल रहा कि यहाँ कोई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह से एग्जांपल लेकर बनाते रहिएगा। तो थैंक्स दोस्तों, बस आज का वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कीजिएगा लाइक एंड मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स।